नमस्कार इंडिया टाइम आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। तेज रफ्तार अनियंत्रित रोड बस इंदरगढ़ नादे मोह मार्ग पर पुलिया की रेलिंग तोड़ती हुई नाले में जा पलटी। बस में सवार यात्रियों चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक दर्जन से अधिक घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां चार की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना थाना इंदरगढ़ के मठपुरा गांव के पास स्थित नाला मोड़ की है। रोडवेज बस सवारियों लेकर दिल्ली से कानपुर जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि अंधा मोड़ होने के कारण अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। वो हिमांशु, क्या घटना वो हो गई थी आज? सर, ये ऐसा हुआ कि आनंद विहार से बस चली थी कानपुर के लिए, तो इस जगह क्या कहते हैं आपके मठपुरा में ये बस डिवाइडर टोल के नीचे चली गई। लगभग कितने लोग घायल हो गए इसमें? 20-22 लोग। सर, किस प्रकार का हादसा है? एक बस मठपुरा के पास पलटी है, इसमें करीब 15-20 लोग घायल हुए हैं। इसमें यहाँ पे अभी 10 लोग एडमिट हैं, जिनके अभी एक्सरे कराया जा रहा है। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिनको अभी कहा जाए कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन किसी कुछ लोगों के फ्रैक्चर वगैरह निकल सकते हैं।